हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सेंगर फैमिली ब्लॉग में। और ये देखिए, अभी मॉर्निंग का समय है और मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया है कपड़े धुलना, क्योंकि ये आज बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास। चद्दर वगैरह है और पर्दे हैं, और इनके लिए मैंने गर्म किया हुआ है पानी। गर्म पानी से में धुलने से ना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं ये। तो बस यही मैं गला के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, इसके बाद फिर जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। थोड़ी देर भिगो के रख दो ना तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो इनको रख के फिर देखते हैं दूसरा कुछ काम। और फ्रेंड्स, ये क्लिप है शाम की और यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं डोसा। तो उसी के लिए स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ अभी। और डोसा ना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और अनिका के पापा भी खा लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। और मेरा जब मन करता है तो मैं बना लेती हूँ। तो बस यहीं यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ स्टफिंग की। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। तो बात यह है कि मेरे व्यूज हैं ना बहुत कम होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक भी कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में शेयर भी कर दिया करें हमारे वीडियो को। और शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, लाइक करने का भी कोई चार्ज नहीं लगता है। बस आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट करते हैं तो पढ़ने के बाद मुझे और भी अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो यही सब बात है फ्रेंड, और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे तो बहुत ज़रूरत है, आप समझ ही रहे हैं। और आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। तो यहाँ पर ये देखिए, बात करते करते हमारी स्टफिंग हो गई रेडी, और इसके बाद ये बैटर है। इसको मैंने जब पीसा था ना, थोड़ा थिक था ये, और अब इसमें पानी मिला के इसकी कंसिस्टेंसी बराबर कर लेंगे जितना हमें चाहिए। और बस इसके बाद फिर मिलाएंगे इसमें लास्ट में इनो, सबसे लास्ट में मिलाते हैं, और बस इसके बाद बनाना कर देंगे स्टार्ट। जब पहला वाला डोसा बनाते हैं ना तो मैं लोहे के तवे पर ही बनाती हूँ, और बस इसकी एक ही ट्रिक है बनाने की। सबसे पहले तवा को गर्म होने दें, और गर्म होने के बाद ना उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के पूरा उसको अच्छे से ग्रीस करना है, जिससे कि पूरे तवे पर ऑयल अच्छे से लग जाए। और फिर इसके बाद पानी डाल के, और बस सूती कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देना है। और इसके बाद देखना आप लोग, मेरा डोसा ना एक भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छे से निकल के आता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और अगर फर्स्ट वाला अच्छे से बन गया ना तो बाकी सब भी अच्छे से बन जाते हैं। अगर उसी में दिक्कत हो गई तो फिर हो जाती है। और मेरे पास डोसा तवा है लेकिन मैं तो इसी में बना लेती हूँ, इसमें भी बहुत अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इसको पहले अच्छे से ग्रीस करके फिर पानी के छींटे लगाएँ, फिर साफ़ करके, और जब डोसे के बैटर को डालें ना तो थोड़ा सा फ्लेम इसका मीडियम कर दें बस। और देखना अभी कितने अच्छे से मेरा डोसा बन जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसको निकालने में। और बस मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, और चटनी मैंने बनाई नहीं है क्योंकि नारियल था नहीं मेरे पास में। तो इसको खाएंगे हम सॉस के साथ में, और इससे भी अच्छा लगता है, और इतना क्रिस्पी सा बना था ना, बहुत अच्छा। मेरा तो मन कर रहा था कोई बना के दे दे गरम गरम, तो सबसे पहले मैं ही खा लूँ, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है। और सबसे पहले बनाएंगे तो बच्चे खाएंगे, अनिका के पापा, और मैं तो लास्ट में खाऊंगी। मैं ना अपने लिए, ये देखो ये लग गई है प्लेट, तो आ जाइए आप लोग भी आकर के। और ये डोसा ना मैंने शाम को बनाया था, शाम के डिनर में, आज यही चलेगा। वैसे नाश्ते में लोग बनाते हैं लेकिन मैंने शाम को ही बना लिया। और ये देखो बच्चे भी खाएँगे, फिर बताएँगे इसका टेस्ट कैसा बना है बाबू। अच्छा, कह दो वीडियो लाइक करो, वीडियो लाइक करो। तो मम्मी ने अच्छा बनाया है खाना, मम्मी ने अच्छा बनाया है खाना। अच्छा, आपको भी खिलाएं बाबू? हाँ। अच्छा भाई, कैसा बना है बाबू? अच्छा अच्छा बना है। तो वीडियो लाइक कर दो, वीडियो लाइक कर दो। हाँ ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब तो बाबू ने भी बोल दिया है कि वीडियो लाइक कर दो, तो आप लोग वीडियो ज़रूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और यहाँ पर ये क्लिप है ना मॉर्निंग की, मैं यहाँ पर आटा ख़त्म हो गया था तो गेहूं को साफ कर रही थी, अनिका के पापा ने सूट कर लिया और फिर मैंने देखा तो मैंने फिर इसी में डाल दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो डाल देते हैं। और ये दोनों है ना चंगू मंगू, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा की नज़र थोड़ी सी हटे और इधर दुर्घटना घटे, यानी कि हमें गेहूं से खेलने को मिले, और ज़रा सी नज़र अगर चूकी ना तो इन लोगों का काम शुरू हो जाता है। ये देखो मैं इधर को, और मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था तो मैं उससे बात भी कर रही थी, तो इन लोगों ने समझ लिया था कि मम्मा अपने काम पे बहुत अच्छे से व्यस्त है, कुछ भी करो। तो ये देखो दोनों गेहूं साफ कर रहे हैं, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने हटाया दोनों को। और इन दोनों को ना इन सब चीज़ों में खेलने बहुत अच्छा लगता है, बस खेलते कुछ नहीं फैलाना होता है, और ज़रा सा अगर चूक जाओ ना तो ये लोग अपना काम सबसे पहले कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।